अगर आप भी मेरे तरह करेंसी पे या यूएसडी आईएनआर यूरो आईएनआर पे ट्रेडिंग करते हो तो ऑलरेडी आप सुन चुके हो कि एक सर्कुलर आया है एंड हो सकता है कि 5 तारीख के बाद से रिटेल ट्रेडर के लिए करेंसी मार्केट अवेलेबल ना हो। तो इस न्यूज के बाद से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए, मुझे कॉल किए, मुझे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे डीएम कर रहे कि सर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या सच पे जो करेंसी ट्रेडिंग है इंडिया पे बैन हो गया है। तो देखिए ये जो न्यूज था मुझे आज आफ्टरनून को ही मिल गया था एंड मैं उसके बाद जो है बहुत अच्छे से पढ़ने का कोशिश किया, रीड किया आर्टिकल्स को, जो अलग अलग ब्रोकर हाउस का कह सकते हो ईमेल है उससे मैं रीड किया, अलग अलग ब्लॉग को रीड किया एंड रीड करके आपको मैं बता देता हूं कि मैं भी यहां पर कंफ्यूज हूं। इनफैक्ट जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस है वो भी कंफ्यूज है, किसी के पास कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि क्या हो सकता है एंड गवर्नमेंट का ऐसा करने का पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट को टैक्स मिल रही है, गवर्नमेंट को यहां जीएसटी मिल रही है, फिर भी ऐसा करने का पीछे रीजन क्या है किसी को भी पता नहीं है। सो एग्जैक्टली मैं जितना समझा हूं मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। सो यहां पर देखिए मुझे आपको पता है कि मैं फाइपैसा ब्रोकर को यूज करता हूं करेंसी के लिए एंड ऑलरेडी जो मैंने 4 लाख to 10 लाख rupees करेंसी ट्रेडिंग का चैलेंज स्टार्ट किया उस पर भी मैं 5% ब्रोकर यूज करता हूँ। तो आज देखिए यहाँ पर मुझे मेल आया कब, 7 घंटे पहले। आज मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात को देख पा रहे हो आप 2:45 बज रहे हैं। तो यहाँ पर एक मुझे कह सकते हो कि ईमेल मिलती है 5% से, जहां बताया गया है कि RBI का एक सर्कुलर जो कि 5 जनवरी 2024 का है, यानी ये जो सर्कुलर है आज कल का नहीं है, ये कह सकते हो जनवरी मंथ का है एंड ब्रोकर हाउस अभी लोगों को ईमेल कर रहे हैं एंड ये कह सकते हो कि मीडिया पे या ब्लॉग पे अभी आया है आज या 1-2 दिन के अंदर ही। सो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है क्या ना, जो रिजर्व बैंक इंडिया के हिसाब से जो USD INR है वो बेसिकली हेजिंग पर्पस के लिए लाया गया था। सो हेजिंग पर्पस के लिए सिर्फ USD INR नहीं, जो टोटल ऑप्शन ट्रेडिंग है उससे ही हेजिंग पर्पस के लिए लाया गया था, लेकिन हम उस पर ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। सो ये अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अभी इसे हेजिंग पर्पस के लिए लाया गया है या हेजिंग पर्पस के लिए बनाया दिया गया है, पहले से ही ये हेजिंग पर्पस के लिए ही था। सो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है बेसिकली कि आपको यहाँ पर एक एक्सपोजर देना होगा। अब ये एक्सपोजर का मतलब क्या है, अंडरलाइन लाइंग एक्सपोजर, ये एक्सपोजर का मतलब क्या है ये किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि एक्सपोजर का मतलब ऐसा हो कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप किस लिए ट्रेड कर रहे हो, किस लिए USD INR को बाय या सेल कर रहे हो ये बताना पड़े। अब ऐसा मतलब ऐसा कोई कह सकते हो कि रिसिप्ट या ऐसा कुछ आई डोंट थिंक किसी के पास होगा। अब देखिए एक्सपोजर का मतलब क्या है, ये किसी को भी कोई क्लैरिटी किसी के पास भी है नहीं। अब इसमें देखिए बताया गया है कि अप टू ए सिंगल लिमिट ऑफ $100 million, तो बताया गया है कि $100 million का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उससे अगर क्रॉस करता है तो एक्सपोजर देना होगा यूजर्स को। अब देखिए $100 million का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उससे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये नहीं बताया गया है, एंड ए मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा या फिर ईयरली होगा या हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, क्या होगा, कोई भी क्लैरिफिकेशन है नहीं। तो यहां पर सिंपली बताया गया है कि जो कह सकते हो $100 million का, यहां पर रुपीज नहीं है डॉलर है आप याद रखिए, $100 million का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उससे ज्यादा अगर किसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो तो उन्हें जो है एक्सपोजर सबमिट करना होगा। सो बेसिकली यही बताया गया है। अब एक्सपोजर मतलब अगर आप पूछेंगे तो मुझे एक्सपोजर मतलब पता नहीं है। अब मैं आपको एक यहां पर आर्टिकल दिखाता हूं, सिंपली एक कोई ब्रोकर हाउस है कह सकते हो कि हेड ऑफ फॉरेक्स एंड रेट्स एट नेवोमा प्रोफेशनल क्लाइंट्स ग्रुप का जो हेड है अभिलाष बोल के नाम है, तो इन्होंने बताया कि द एक्सपोजर रिक्वायरमेंट्स नीड एक्सप्लेनेशन। तो ब्रोकर हाउस का जो हेड है उनको भी पता नहीं है कि एक्सपोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सपोजर मतलब ही क्या है ये पता ही नहीं है उनको भी, और उनको पता नहीं है तो आपको और मुझे क्या पता लगेगा। सो यहां पर देखिए उन्होंने बताया कि वी एंड अदर ब्रोकर्स हैव रिटन टू द एक्सचेंजेस एंड वी आर वेटिंग फॉर अ क्लैरिफिकेशन, यानी एक्सचेंज को मेल कर दिया गया है, ब्रोकर सभी मिलकर मेल किए हैं कि एक्चुअल एक्सपोजर क्या है इसके बारे में बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई एक्सचेंज से या RBI से या सेबी से मिला नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक बता देता हूं, यहां पर सेम बताया गया है कि लिमिट रखा गया है $100 million का। अब एक मतलब कैसा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, मंथली होगा, ईयरली होगा, लाइफ टाइम होगा, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज बताया गया कि ओनली ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ हिज क्लाइंट्स हैव एन एक्चुअल फॉरेक्स एक्सपोजर एंड मोस्ट आर स्पेकुलेटर्स एंड आर्टिवेजर्स, एज सच ए लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स मे डिसाइड टू नॉट ट्रेड इन फॉरेक्स डेरिवेटिव्स एनी मोर हर्टिंग वॉल्यूम ही सेड। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जितने भी क्लाइंट्स फॉरेक्स पर ट्रेड करते हैं, करेंसी पर ट्रेड करते हैं, तो ज्यादातर मैक्सिमम लोगों के पास कोई फॉरेक्स का एक्सपोजर नहीं है, बेसिकली वो स्पेकुलेटर्स है या फिर आर्टिवेजर्स है, यानी जैसे आप और हम हैं, हम स्पेकुलेट करते हैं, यानी हम
बाई कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, बीच में जो प्रॉफिट मिल जाए वो हमारे लिए सफिशियंट है। तो हम आर्टिवेजर्स है या फिर स्पेकुलेटर्स है, तो यही इन्होंने मेंशन किया है कि ज्यादातर लोगों के पास फॉरेक्स का कोई एक्सपोजर नहीं है, ज्यादातर ट्रेडिंग ही करते हैं। एंड आपको बता देते हैं कि इसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम जो यूजर्स है वो ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, एंड उसके रिजल्ट्स में क्या होगा ना, करेंसी मार्केट का जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा नीचे डिक्रीज होगा। वॉल्यूम तो अभी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे अब नीचे आएगा। इनका कहना बिल्कुल सही है, अगर कह सकते हो रिटेल ट्रेडर मार्केट से निकल जाए करेंसी ट्रेडिंग का, तो 75-80% ट्रेडर तो ऐसे निकल जाएंगे, तो बाकी का जो 20% ट्रेडर होगा वो बाय सेल, क्या खुद का इतना लिक्विडिटी बनेगा कि खुद बाय सेल कर ले, या इतना वॉल्यूम जनरेट होगा कि उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, तो एक सोचने वाली बात है। सो यही बताया गया है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हो क्या सकता है, क्यों यहां पर ज्यादातर जो कह सकते हो कि ब्रोकर हाउस है उन्होंने बताया है कि ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसी के पास कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि एक्सपोजर क्या है, कैसे देना होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, ज्यादातर ब्रोकर कहे कि 5 तारीख के बाद से भैया आप लोगों को हम और ट्रेडिंग सर्विस नहीं दे पाएंगे, या ट्रेडिंग जो है पॉज रहेगा करेंसी का जब तक हमें कोई क्लैरिटी ना मिल जाए। अब ये करने का रीजन क्या है, आपको पता है कि जो भी आरबीआई का गाइडलाइन के अगेंस्ट जाती है, जैसे कि पेटीएम बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो ऐसे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या है। सो अगर कोई ब्रोकर सपोज कि जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसे फॉलो ना कर पाए, तो हो सकता है उसका उनका जो लाइसेंस है उसे आरबीआई से कैंसिल कर दिया जाए। तो इसी डर से ब्रोकर हाउसेस क्या कर रहे हैं ना, करेंसी ट्रेडिंग को अभी कह सकते हो कि टेम्पोररी स्टॉप रख है अपने प्लेटफॉर्म पे, एंड जब कोई क्लैरिटी आ जाए तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सो आरबीआई का कह सकते हो कि गाइडलाइन के वजह से या सर्कुलर के वजह से अभी टेम्पोररी जो ट्रेडिंग है मैक्सिमम ब्रोकर पे बंद कर दिया जाएगा 5 तारीख के बाद से। तो अगर आपका कोई भी पोजिशन है तो आप उसे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, उसे आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आगे क्या होगा वो किसी को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन जितना मुझे समझ आ रही है कि यहां पर हो सकता है कि एक कैप लग जाए कि $100 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम शायद मंथली या ईयरली लग जाए, कि आप उतना ही जो है विदाउट एक्सपोजर आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, उससे ऊपर अगर आपको ट्रेडिंग करना है, बिग लॉट से आपको ट्रेडिंग करना है, तो उस टाइम पे आपको एक्सपोजर या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना परे। अब आप और हम कितने से ट्रेडिंग करते हैं, मैक्सिमम 100 लॉट 200 लॉट, तो आई डोंट थिंक कि आपको और हमें इतना कह सकते हो कि टेंशन लेने का कोई भी जरूरत है। बाकी जब तक हमें कोई क्लैरिटी ना मिल जाए ट्रेडिंग वॉल्यूम का या एक्सपोजर का, तब तक कुछ बताया नहीं जा सकता है। आरबीआई से कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक ना हो, उस वजह से जो कह सकते हो कि ब्रोकर हाउस है उससे करेंसी ट्रेडिंग को अभी पॉज किया जाएगा। आगे जाकर कोई क्लैरिटी अगर मिल जाए तो हो सकता है कि जल्द से जल्द उसे रिज्यूम कर दिया जाए, क्योंकि ब्रोकर हाउसेस को भी पता है कि करेंसी पे अभी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी से बहुत सारे ब्रोकरेज भी जनरेट हो रहा है। सो हो सकता है कि कोई क्लैरिटी मिलने के बाद फिर से रिज्यूम हो जाए। सो हमें वेट करना है 5 तारीख तक का आरबीआई से और डिटेल कोई कह सकते हो कि क्लैरिटी आए ब्रोकर हाउसेस को, एंड ब्रोकर हाउसेस को अगर क्लैरिटी आ जाए तो हमें भी पता लगेगा कि आगे करेंसी ट्रेडिंग का फ्यूचर इंडिया पे क्या हो सकता है। देखिए मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट को इसे बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट को इससे टैक्स भी मिल रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हो कि स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, उसके बाद हम कह सकते हो कि सेबी का जो चार्जेस है वो भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसे बंद नहीं करना चाहिए। बाकी आई डोंट नो कि आगे जाके क्या होगा, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखिए जिनको फॉरेक्स में नॉलेज है वो सिर्फ फॉरेक्स पे ट्रेड करेंगे, रातों रात अगर आप सोचेंगे कि हम फॉरेक्स से क्रूड ऑयल पे या फिर बैंक निफ्टी पे निफ्टी पे शिफ्ट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर से हमें स्टार्टिंग से सीखना होगा। सो लेट्स सी कि क्या न्यूज़ निकल के आती है, क्या अपडेट निकल के आती है गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, एंड एक्सचेंज को क्या क्लैरिटी मिल पाती है कि नहीं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। सो डरने वाली कोई बात नहीं है, आई थिंक कि एक अपर कैप लगने वाला है, जो बिग लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है सबमिट करना पड़े। बाकी आई डोंट थिंक कि रिटेल ट्रेडर को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि कुछ दिनों तक हमें ट्रेडिंग ना करने को मिले, हम जो भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे उसमें करेंसी अवेलेबल ना हो, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आ जाए तो फिर से वो रिज्यूम हो जाए। सो हमेशा हम अभी क्या कर सकते हैं, हम अभी पॉजिटिव ही सोच सकते हैं, एंड सब अभी भगवान भरोसे पे ही है कि जो होगा देखा जाएगा। हमने और बहुत सारे ट्रेडर्स नए नए जो करेंसी मार्केट पे आए हैं अभी प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट ही की है, एंड उस टाइम पे ऐसा न्यूज़ निकल के आना मतलब कह सकते हो आप टेंशन लेने का ही बात है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव सोचिए, आई होप कि कुछ अच्छा निकल के आएगा। सो अभी हम सिर्फ होप ही कर सकते हैं। सो आपका राय क्या है नीचे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो नहीं किया हो फॉलो कर लीजिए, या टेलीग्राम चैनल को एंड व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस रिलेटेड कुछ भी मुझे अपडेट मिले तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करने का कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।